दोस्तों, अगर आपने कहीं तो होगा सीरियल देखा होगा तो फिर आपको सुजल और कशिश भी याद होंगे, जिनकी प्यार भरे केमिस्ट्री ने सभी को अपना दीवाना बना दिया था। उसी शो में सुजल का किरदार निभाने वाले एक्टर थे राजीव खंडेलवाल और कशिश का रोल प्ले करने वाली थी एक्ट्रेस आमना शरीफ। शो में सुजल के रूप में राजीव का कशिश के लिए बेइंतहा प्यार और कशिश के रूप में आमना की सुजल के लिए केयर ने दोनों की जोड़ी को उस टाइम की फेवरेट जोड़ी बना दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ की ये परफेक्ट जोड़ी अब जल्द ही रियल लाइफ में भी शादी करने जा रही है। अब ये रियल लाइफ में भी एक दूसरे के सुजल और कशिश बनने जा रहे हैं। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनके लव स्टोरी से लेकर मैरिज डेट तक की सारी जानकारियां देने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही इनके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहीं तो होगा सीरियल के रियल लाइफ सुजल और कशिश यानी कि राजीव खंडेलवाल और आमना शरीफ अब जल्द ही शादी करने वाले हैं। बात करें दोनों के लव स्टोरी की तो कहीं तो होगा सीरियल के सेट पर ही दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी। इस सीरियल के सेट पर ही दोनों पहली बार मिले थे और साथ में एक दूसरे के साथ वक्त बिताते बिताते एक दूसरे के पार्टनर के रूप में काम कर कब दोनों एक दूसरे के रियल लाइफ पार्टनर बन गए ये दोनों को ही नहीं पता चला। इस तरह से दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई, जिसे आगे बढ़ाते हुए दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और साथ में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताना। इस तरह से दोनों को साथ में करीब 3 साल गुजर गए, पर सभी की तरह ही इनकी लव स्टोरी इतनी आसानी तक शादी तक नहीं पहुंच पाई। बता दें कि 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों का अचानक ही ब्रेकअप हो गया, जिसके पीछे की वजह केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को छोड़ किसी और को अपना हमसफर चुन लिया। राजीव ने मंजरी कमटीकर से शादी कर ली तो वही आमना शरीफ ने अमित कपूर से, पर शादी के बाद भी दोनों खुश नहीं रह पाए। राजीव और आमना शरीफ दोनों के पार्टनर के साथ ही उनके रिश्ते ठीक नहीं रहे, और शायद इसके पीछे की वजह थी दोनों के दिल में जो एक दूसरे के लिए प्यार था वो खत्म नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे पा रहे थे। इसी बीच दोनों को एहसास हुआ कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए दोनों ने अपने पार्टनर को बनाकर डाइवोर्स लेने और एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया है। और अब खबर है कि आने वाले 6 महीनों के बाद जब दोनों अपने मैरिज पार्टनर से डाइवोर्स ले लेंगे तो तब दोनों जल्द ही एक दूसरे से शादी कर लेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। पर क्योंकि अभी तक दोनों की डाइवोर्स डेट सामने नहीं आई है तो इसलिए अभी तक दोनों ने कोई मैरिज डेट भी फाइनल नहीं की है। और साथ ही आपको बता दे कि ये भी खबर है कि अभी इस खबर पर ना तो आमना ने कुछ कहा है और ना ही राजीव ने, क्योंकि शायद दोनों इस बात को पर्सनल रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपने पार्टनर से तलाक लेकर एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेकर इन दोनों ने सही किया या गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।